हरे कृष्णा नमाम विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठा भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतानी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादी गौर भक्तिंदा हरे कृष्णा शिला प्रभुपाद की जय। तो भागवत गीता का जो सबसे पहला श्लोक है चैप्टर 1.1 सबसे फर्स्ट श्लोक वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है आज उस पर बात करते हैं। तो पहले मैं श्लोक बोलता हूँ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुस्वा माम का पांडवे छ एवा किम अकुर्वत संजया। धृतराष्ट्र बोलते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो देखो कुरुक्षेत्र जो है एक धर्म क्षेत्र है, इससे लैंड ऑफ पिलग्रिमेज। अब कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र इसलिए है क्योंकि बहुत ऋषि मुनियों ने बहुत बड़े बड़े योद्धाओं ने वहाँ पर तपस्या करी है और कुरुक्षेत्र की भूमि पवित्र है। और कई लोग बोलते हैं कि ये गीता तो मिथिकल है या कोई कहता है सिंबॉलिक है। तो हरियाणा में कुरुक्षेत्र एक जगह है और वो अब भी मौजूद है। तो आप टिकट ले गए बस का वहाँ पहुँच सकते हो अगर आसपास के क्षेत्र में है। तो ये कोई मिथोलॉजी नहीं है, ये तो हिस्ट्री है हमारी। तो पहली वर्ड ही है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। मतलब अगर ये धर्म क्षेत्र है तो यहाँ धर्म की जीत तो नहीं हो सकती। पहली बात तो यहीं से क्लियर हो गई है। तो रिजल्ट तो पहले ही पता चल गया हमें युद्ध का। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युजुस्वा। अब यहाँ पे जो सारे योद्धा इकट्ठे हो रहे हैं माम का पांडव छ एवा। अब यहाँ पे देखो माम का मतलब मेरे और पांडव के पुत्र। किम अकुर्वत संजया, संजय जो है उनका एडवाइज़र है तो वो संजय से पूछ रहे हैं क्या कर रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र तो अंधे थे तो संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी, वो देख के बताते थे भी क्या हो रहा है युद्ध में। तो माम का मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र। अब यहाँ से आप देख सकते हो जो धृतराष्ट्र का भेदभाव वाला नज़रिया है, मेरे पुत्र अलग हैं जी पांडव के अलग हैं, जबकि पांडव की मृत्यु के बाद तो रिस्पॉन्सिबिलिटी धृतराष्ट्र की ही बनती है तो वो भी तो उसके पुत्र हुए। पर यहाँ पे उसके विचार अलग हैं, वो उनको अलग समझता है, अपने पुत्रों को अलग समझता है, जबकि वो जानता है कि जो पांडव हैं वो धर्म का पालन करने वाले लोग हैं और स्पेशली भीम और अर्जुन को कोई नहीं हरा सकता, ये भी वो जानता है। वो अजय है भीम और अर्जुन। तो ये सब बात बहुत अच्छी तरह से धृतराष्ट्र समझता है। फिर यहाँ पे वो ये पूछ रहा है कि मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं, पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो उनको अपना पुत्र नहीं समझता ना, उसका पहले से ही ये भेदभाव का नजरिया है जिसके कारण ये महाभारत हो रही है, उसी नजरिए के अंदर के कारण ही। और फिर दुर्योधन जो है उसका बड़ा पुत्र जो है 100 पुत्रों में सबसे बड़ा, तो वो तो बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस पर्सन है, तो बहुत ताकतवर भी है। लेकिन उसको भी एक टेंशन है कि वो जानता है कि सिर्फ भीम ही एक योद्धा है जो मुझे मार सकता है। तो उस चारों मतलब घंटे उसके माइंड में भीम ही घूमता है। तो ये श्लोक बहुत महत्व रखता है, पहला ही श्लोक बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है भागवत गीता को पढ़ना और जानना, अपने इतिहास को अपनी संस्कृति को जानना। और धर्म भी दो तरह के होते हैं, एक होता है मटेरियल धर्म, एक होता है स्पिरिचुअल धर्म। अगर आप पढ़ेंगे भागवत गीता तो आपको दोनों धर्मों में डिफरेंस समझ आएगा। जैसे कि एक वॉरियर का धर्म है लड़ना, युद्ध करना। और अगर हम अपने आप को बॉडीली रिप्रेजेंट करते हैं ना, बॉडी से देखते हैं, तो हमारा मटेरियल धर्म है हमारे ऊपर फिर डेप्ट होते हैं 5 चीज़ों के, सेजिस के, सेलेस्टियल बीइंग्स के, लिविंग बीइंग्स के, ह्यूमन बीइंग्स के, और एक और तरह के, मतलब 5 तरह के हमारे ऊपर डेप्ट होते हैं। और अगर हम अपने आप को स्पिरिचुअली आइडेंटिफाई करते हैं तो हमारा स्पिरिचुअल धर्म जो है वो एक्चुअली में हमारा अल्टीमेट गोल होता है स्पिरिचुअल धर्म जो है। और धर्म में धरी शब्द आता है, मतलब धरी मतलब धारण करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को धारण करना, मर्सी को धारण करना, चैरिटी, मर्सी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी। तो ये बॉडीली रिलीजन है हमारा।
धर्म, और स्पिरिचुअल रिलीजन है स्पिरिचुअल को, स्पिरिट को समझना, स्पिरिचुअल साइंस को समझना, स्पिरिट कहाँ से आई है, कहाँ जा रही है, और भगवान का हमारे से क्या रिलेशन है, भगवान हमसे क्या चाहते हैं, हम भगवान को कैसे खुश करें, कैसे प्रसन्न करें, हम भगवान को भगवान के साथ हम अपने प्रेम संबंध कैसे बनाए, ये स्पिरिचुअल धर्म है। अपनी स्पिरिट की जो मतलब पूरा इतिहास उसका और उसकी जो विज्ञान है स्पिरिट का समझना, वो स्पिरिचुअल धर्म है। तो आई थिंक आप भगवद गीता ज़रूर पढ़ें, बहुत ही मेरे ख्याल से सबसे बड़ा ज्ञान ही है, और स्वयं भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यजय मामेकं शरणं व्रजा, सारे धर्मों का त्याग करो मेरी शरण में आओ। तो आप ज़रूर, आपको जानना चाहिए कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। 18.66 श्लोक है ये। तो इस्कॉन जाने से जो बेनिफिट हुआ है मुझे, ये बेनिफिट हुआ है इस जानने को मुझे वहीं मिला है, जो वहाँ पे मैंने आचार्य को सुना है वहाँ के। तो कई लोग कहते हैं कि इस्कॉन जाके क्या होगा, इस्कॉन जाके ये होगा कि आप भागवत गीता समझ पाओगे, वहाँ जाके आप आचार्य को सुनोगे तो आपको पता चलेगा, और नहीं सुनोगे तो फिर आप विम्सिकली अपने माइंड से कुछ भी मीनिंग बनाते रहोगे जो कि गलत हो जाएगा। तो वहाँ जाके सुनना भी तो ज़रूरी है ना आचार्य को, और तो कहीं नहीं समझाते इतना अच्छा भागवत गीता को, तो कृष्ण को ही गायब कर देते तो फिर उनकी भागवत गीता भी क्या सुनिए, तो भगवान को ही गायब कर देते हैं वो भागवत गीता में से। तो फिर इसलिए इस्कॉन जाने से ये बेनिफिट हुआ है कि वहाँ जाके भागवत गीता समझने को मिली है। तो श्रीला प्रभुपाद जो इस्कॉन के हमारे आचार्य फाउंडर आचार्य हैं, आप एक बार उनकी बायोग्राफी पढ़ें, आप बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी है उनकी। 65 साल के बाद इतनी 70s में वो कार्गो शिप में जर्नी करके गए, रास्ते में उन्हें दो हार्ट अटैक भी आए, और उन्होंने ट्रांसलेशन करी भागवतम की, भागवत गीता चैतन्य चरितामृत जैसी किताबों की। सिर्फ उनके पास $40 थे, वो भी उन्होंने वो कैप्टन के जो शिप थे उनको बेच के $40 जो है उनके पास आए थे। और वहाँ जाके फिर उन्होंने कितनी स्ट्रगल करी, कितना दुख उन्होंने झेले, टाइपराइटर चोरी हो जाता था, कपड़े चोरी हो जाते थे, पार्क में जाके गुलाब जामुन बना के लोगों को खिलाते थे, प्रसाद बना के कीर्तन करते थे, कीर्तन सिखाते थे बाहर के लोगों को, जो ड्रग्स में डूबे हुए हिप्पीज होते थे उनको कीर्तन करना सिखाया, उनको भागवतम सुनाई, बेहोश पड़े होते थे उनको भागवतम के मुंह में प्रसाद डाल देते थे शिला प्रभुपाद मारे। तो शिला प्रभुपाद जैसा आचार्य तो हुआ ही नहीं, 5 साल में 108 मंदिर पूरी दुनिया में बनवा दिए इस्कॉन के, और अब देखो इस्कॉन मूवमेंट कितना आगे चला गया। तो ये सब शिला प्रभुपाद का चमत्कार है। हालांकि भक्त तो जो आज कर रहे हैं, एफर्ट कर ही रहे हैं, बट शिला प्रभुपाद ने जो बिगिनिंग करी है ये उसी का तो आउटपुट है सारा। तो एक प्रवाह जो उन्होंने दिया है वो एक सैलाब की तरह बह रहा है, वो प्रवाह पूरी दुनिया के कोने कोने में हरे कृष्णा महामंत्र चल रहा है, भागवत गीता डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो ये तो शिला प्रभुपाद का चमत्कार है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू ऑल आचार्यस एंड ऑल डिवोटीज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरी बोल।